जंग गुरमीत सर, पाकिस्तान एंगल, अलकायदा एंगल, मेरा आपसे सवाल यह है, जिन्होंने हमसे एलओसी और एलएसी पर अभी हाथ मिलाया है, क्या अब वो वापस इस देश के आंतरिक मामलों में एक नए संगठन द्वारा, क्योंकि हम देख रहे हैं एफएटीएफ में उनके सारे संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, तो क्या उन्होंने एक नए संगठन का सहारा लिया है? मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, बट फोर साइटेड भी है ये। निशांत जी देखिए, एक महीने के अंदर में दो इंसिडेंट, और ये जो मुंबई में और जो दिल्ली में हुआ था, ये दोनों ही डेलिब्रेट प्लान्ड टेररिस्ट एक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखें इनकी स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, मोडस ऑपरेंडी और इनका टाइमिंग देखिए दोनों का ही, और टारगेटिंग देखिए, अगर आप इनको इसका विश्लेषण करेंगे, एक गहरा विश्लेषण करेंगे, तो बातें हैं कि इसका जो तार है वो अवश्य ही पाकिस्तान यानी कि आईएसआई और उसके जोड़ में और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी अवश्य काम कर रही है। इसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बिल्कुल नोटिसेबल हैं। पहला कि जिस प्रकार से एक चिट्ठी रखी गई है, जिस प्रकार से धमकी दी गई है, जिस प्रकार से एक्सप्लोजिव दी गई है, जिस प्रकार से एक्सप्लोजन नहीं किया है लेकिन उससे एक कदम पहले का है। और देखिए टाइमिंग का, आप देखिए पहला था बीटिंग द रिट्रीट और जगह दिल्ली और सिर्फ महज 2 किलोमीटर जहां से विजय चौक है वहां से, और दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और कहा एशिया का जो सबसे अमीर आदमी, जो भारत का चेयरमैन आरआईएल, जो सबसे एक मैं कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इकोनॉमी की। और अगर आप टारगेटिंग देखेंगे, दोनों की टारगेटिंग, दोनों की टाइमिंग और जो तरीका है वो बिल्कुल हुबहू सेम है, और जिस प्रकार से एस्केप किया है वो भी सेम है। तो इससे और एक, अगर आप इस चिट्ठी को खंगालेंगे, इस मैसेज को खंगालेंगे, तो पता चलता है उसमें मोसाद का रेफरेंस और जिस प्रकार से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक रेफरेंस इसमें है, तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि इसके तार पाकिस्तान प्लस फंडामेंटलिज्म प्लस एक्सट्रीमिज्म और प्लस एंटी इजराइल से जुड़े हुए हैं। तो ये एक दर्शाता है कि देखिए अभी जिस अभी हाल ही में डीजीएमओ लेवल के ऊपर में बातचीत हुई और ये एलओसी पर सीज फायर करने का एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, और इसी समय मोटे तौर पर उसी समय के ऊपर में ये किया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारे सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स चेंज कर रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर से अभी कुछ दिन पहले बात की, और मेरा उनसे सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है क्या वो खत्म हो गया है? He said, इंटरनली चीजें अभी ठीक हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान साइबर न्यूसेंस में हमसे बहुत आगे है। क्या ये उसी का परिणाम है सर? निशान जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए ये जो टेररिज्म है इसका जो शेप और रूप है ये बहुत अलग अलग है। हमने देखा कि किस प्रकार ये जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने जो टेररिज्म चलाया था उसको किस किस चीज से जोड़ा है। उसने चाइना के साथ में कोलैबोरेशन से जोड़ा, उसने साइबर से जोड़ा, उसने रेडिकलाइजेशन से जोड़ा, उसने फंडामेंटलिज्म से जोड़ा, और ये जो हो रहा है ये मैं कहूंगा कि ये जो हमारे अर्बन सेंटर्स के अंदर में हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी जो टारगेट करना चाहता है, जो दिल्ली में किया था वो हमारे नेशनल प्रेस्टीज से रहा। और ये मैं विक्रम जी से बिल्कुल सहमत करता हूँ, ये बात व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये बात है पूरे संपूर्ण भारत की। ये बात है भारत की।